चल यार भाई मुका, कितनी देर है तुझे यार? आधे घंटे से यहाँ पे तेरा वेट कर रहे हैं। कर अच्छा, ठीक है यार, मुका दे बस, थोड़ा जल्दी घर जाना है कहीं। हाँ जिमी। जी पापा। रास्ता तो पता है, एक मिनट सब्र कर। हाँ हेलो माइकल, तूने नहीं आना फिर? बता मुझे किधर। इधर क्या मतलब यार, मुझे क्या बोला था यार मद्राजो? हाँ मुझे पता है, याद है यार, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो कल का करते हैं यार। मैं कल करना ना, तो एक काम कर, छोड़ दे ये इलेक्शन में तो यार खड़े क्यों है यार, अगर अगर तेरे पास टाइम है तो। यार अपने भी 100 मामलात होते हैं यार, मैं थोड़ा, मैं इधर सैंडी शोर आया, वो काम है मुझे। रहने दे यार, तेरे से ना हो पाएगा माइकल, तेरे से ना हो पाएगा, तो छोड़ दे। ओ आखिर इतनी इमरजेंसी कौन सी आ गई है, क्या अर्जेंट काम है बता तो सही। तुझे मैं बोल रहा हूँ यार, तेरे से इंपॉर्टेंट बात करनी है, मीटिंग करनी है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उससे पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन तू मुझसे मुलाकात ही नहीं कर रहा, और मैं तुझे फ़ोन पर बता भी नहीं सकता। यार मैं कोशिश करता हूँ आज शाम को तेरे पास चक्कर लगा लूँ, लेकिन अगर आज ना लगा सका तो फिर कल मैं आता हूँ, ठीक है? नहीं यार मैं रहने दे दूँ, अगर आज नहीं तो कल भी नहीं, बस बस खत्म कर फिर। क्या ख़त्म कर? ये इलेक्शन वाला सिस्टम खत्म कर, तेरा नाम मैं हटा देता हूँ बस। एम ही हटा देता हूँ भाई, मैं इधर अपना झंडा उधर लगा चुका हूँ, ऑफिस बना चुका हूँ, कैंपेनें करा दी हैं, इतनी मेहनत कर चुका हूँ, और तू नाम हटा देगा? सब्र कर जाना, मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ तेरे पास। बस बस शाम को मुका, बस चुटकी चुटकी बजा के बस आ। हाँ ठीक है। यार एक तो ये मद्राजो पीछे पड़ा हुआ है यार, इसको भी पता नहीं कौन सा काम आ गया, उधर भी जाना पड़ेगा यार। मैं तेरे से जिमी पूछ रहा था, तुझे घर पता है ना उसका? पापा मुझे घर पता है, मैं आपको बता जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे वहाँ जाके? और इस तरह जाके तो आपने उल्टा और अपने आप को फंसा के आ जाना है। तू मेरे को ना समझा, तू सिर्फ मुझे उनका घर बता, जो जितना तेरे से पूछा उतना बस बता। मैं तो आपको बता दूंगा यार पापा, बाकी अब आपकी मर्जी, अगर आप फंसना चाहते हो इस काम में तो। इलेक्शन आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ छोड़ो ऐसी। अबे यार जिमी क्यों इतनी तू बकवास कर रहा है यार, लगाऊं तुझे मैं भी एक कान के नीचे दोबारा? अच्छा पापा सॉरी, लेकिन चलिए आपकी मर्जी, मैं बता दूंगा। मैं कह रहा था कि अगर फाइट ही करनी है तो हाथ में कोई हथियार ले लो, या फिर इसी मैकेनिक से कोई रेंच ले लो। ओ यार छोड़ ना यार जिमी, तू मेरे कामों को नहीं जानता यार, जो मेरी ट्रिक है ना, जो मैं सोचता हूँ वो तू नहीं सोचता जिमी। हाँ चलो देख लेता हूँ मैं यार, आप भी क्या करोगे। बस तू देखता जा यार, इसका काम पता नहीं कब खत्म होगा। वो यार मुकान है यार, बस थोड़ा सा हो गया। ओ भाग के किधर जा रहा है भाई? तुझे कह रहा हूँ खत्म कर काम। मैंने दरवाज़ा जोड़ दिया है, तो जाके चेक कर लो। सही सेट करके जोड़ा है ना, कोई मसला दोबारा टूटेगा तो नहीं? ये ना हो ऐसी रद्दी काम तो नहीं किया? रद्दी काम किधर, एक घंटे से आपका दरवाज़ा जोड़ने में लगा हूँ, जाके चेक कर लो। एक मिनट, मैं तो वो देख ही लूँगा ना, बाकी पेंट शेंट तो सही किया है ना ऊपर, पता तो नहीं चल रहा है वेल्ड हुआ वा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चेक करो बिल्कुल नहीं। हाँ बंद तो ठीक हुआ है, ओपन कैसे हो रहा है एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है चलो ठीक है यार, कितने पैसे हैं? दे दो जो मुनासिब होता है आपको बस। चलिए ले यार 5,000। 5,000 क्या कर रहे हैं आप, 20,000 तो देना। अच्छा चलिए ले यार 20,000, मज़े कर मौज मार। चला जिमी। चलो पापा। अबे यार इसका दरवाज़ा फिर से खुला रह गया, फिर चलाऊंगा तो ऐसे ही काम का टूट ना जाए। चलो बंद हो ही गया, चल आ जा बैठ जा। जाने दो पापा। हाँ चलते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाना किधर है? एक मिनट पापा, मैं GPS लगा लेता हूँ। लगा ले GPS, मुका तू अब। पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों है, मुझे तो अंदर से डर लग रहा है, मामा के भाई बहुत खतरनाक हैं। जैसे तू मुझे नहीं जानता जिमी, मैं कैसा हूँ? लगता है तू सारा वो पास्ट भूल गया है जिमी। कौन सा पास्ट पापा? अच्छा याद दिलाऊं तुझे मैं, क्या किया था मैंने अरशद के साथ, क्या किया था मैंने सुल्तान के साथ, क्या किया था मैंने बॉस के साथ, भूल गया सब कुछ? भूल गया तू पापा? वो लेकिन प्री प्लान था ना यार, आप प्लानिंग करके गए थे, साथ में आपकी आर्मी थी, वेपन्स थे पापा। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन दिमाग तो था ना मेरा, आइडिया तो मेरा ही था ना। आपका ही था, बेशक आपका था पापा, लेकिन अभी आप बिल्कुल इस तरह जा रहे हो जैसे 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 आप यहाँ इस जगह के प्राइम मिनिस्टर बन गए, जाती आप उन्होंने आपसे माफ़ी मांग लेनी, आप ऐसे जा रहे हो। यार जिमी मुझे थोड़ा काम है, एक मिनट बस थोड़ा वेट कर, गाड़ी में रिंग, गाड़ी से बाहर ना ही, मैं आता हूँ बस। किधर जा रहे हो यार, मैं भी आऊँ? और नहीं नहीं गाड़ी में बैठ बस, एक काम है इधर, मैं आता हूँ ठीक है ना, गाड़ी से बाहर ना आई। पापा सब खैरियत है? यार जितना बोला है उतना कर लिया करना, आ रहा हूँ मैं। ओके पापा। हाँ बाहर ना आई बस। अच्छा, तो यार एक काम करना था मुझे, क्योंकि जिमी के सामने नहीं मैं कर सकता, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ मैंने करना है साकिब को फ़ोन, एक मिनट यार। हेलो साकिब जी, मको भी। साकिब तू किधर है अभी? मको भी घर में हूँ, मूवी देख रहा हूँ। कौन सी मूवी? हम आपके यहाँ कौन?
यार मूवी को छोड़ तू, मैं इधर एक काम कर, मैं इधर सैंडी शोर आया हूँ, किसी भी तरह से सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर। क्यों यार तू किसी भी तरह से बस रेंजर्स लेके आ अपने साथ, यहाँ पे कम से कम 7-8 रेंजर्स तेरे साथ होने चाहिए। मुकाम मैं तुझे लोकेशन सेंड करता हूँ। मोगबी मोगबी सब खैरियत है मोगबी? अबे यार सब खैरियत नहीं है तभी तो बोल रहा हूँ। मोगबी यार बताओ तो सही क्या हो गया यार, मैं अभी पहुँचता हूँ अब जगह, अभी भेजो मुझे। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं वहाँ जाकर ना तुझे व्हाट्सएप करूँगा लोकेशन, तूने उधर पहुँचना है किसी भी तरह से, और पहुँचने से पहले पहले मेरे को तूने बता देना। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? हाँ वो तो मैं समझ, बात मांगो भी, ये लास्ट सीन है मूवी का। अबे यार तुझे मूवी की पड़ी हुई है यहाँ, मेरी अपनी मूवी बन रही है तो जो मांगो भी टेंशन ना लो, मैं बंदोबस्त करता हूँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मुका यार मुका, कम से कम 7-8 सोल्जर तेरे साथ होने चाहिए। जी जी मांगो भी, और गाड़ी में आई? अच्छा ओ सारी बात है, मुका मैं जा रहा हूँ। ओ मांगो भी, हाँ ये मूवी देख रहा है उधर बैठ के। अच्छा तो यार बस किसी तरह से वो पहुंच जाए, रेंजर्स वगैरह लेके, उसको मैंने बता दिया है, फिर आगे का क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि अभी खुद ही आपको पता चल जाएगा। जिमी से क्यों छुपा रहा हूँ यार, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि ये पापा आप आ गए हो? नहीं जाने वाला हूँ। किधर पापा? जहाँ पर जाना है, तू लोकेशन बताना यार। पापा GPS लगा है ना, बस फॉलो करते जाओ। ओ भाई तेरे पास लगा हुआ है ना, तू बस मुझे बताता जा रास्ता कहाँ कहाँ से मुड़ना है मुझे। अच्छा अच्छा यहाँ से आगे सीधा जाना, सीधा जाके राइट हो जाना। कहाँ से? इधर से। हाँ तो इधर से ही राइट होना है ना, और वहाँ लेफ्ट कोई रोड निकली हुई है। अच्छा अच्छा आगे बता। बस यहाँ से भी आगे सीधा जाओ, सीधा जाके यहाँ से भी राइट हो जाओ। कहाँ से? ये पहली रोड यहाँ से। अच्छा अच्छा यहाँ से, ठीक हो गया। अब सीधा जाने दो, सीधा यहाँ से मुड़ जाओ, यहाँ से मुड़ जाओ, यहाँ से मुड़ जाओ। एक तो यार जो जगह, जिस जगह तो मुझे लेकर आ रहा है ना, मुझे तो लगता है यार ये कहीं किसी झुग्गियों में ही रहती होगी। नहीं पापा बहुत बड़ा घर है यार। ओ जा यार, इस जगह में कौन सा बड़ा घर होगा? पापा पूरी हवेली है। जिमी यार तू भी पता नहीं लगता उसकी बातों में आ गया, ये इस जगह पे हवेली हो सकती है यार? कसम से यहाँ पे कोई मुझे फ्री घर भी देगा ना, फ्री जगह भी देगा, मैं तब भी नहीं आऊँगा। पापा जगह तो मतलब काफ़ी दूर है, हट के है, कच्ची रोडें हैं सब कुछ, लेकिन घर बड़ा आलीशान है पापा। अच्छा आलीशान है, कौन सा है घर? ये सामने राइट वाला। केड़ा? ये वाला? जी पापा ये। अच्छा तो ये इसका घर है? जी पापा मामा का घर है ये यार। तो तू अंदर गया था? अंदर नहीं गया था, बस बाहर से ही मैं उनको छोड़ के आ गया था। तो ये इनके आगे से फ्रंट साइड है, यहाँ से ये फ्रंट साइड है, यहाँ पर ही आप बेशक गाड़ी रोक लो। अच्छा अच्छा तो ये फ्रंट साइड है, तो तू अंदर नहीं गया, ठीक हो गया। देख ज़रा वो सामने गाड़ी खड़ी है, ये हमारी है ना, और वाइट कलर कर दी है। हो सकता है वो वाली ना हो। अबे वही है, RS6 है यार ये। पापा हो सकता है दूसरी हो यार। यहाँ साइड भी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। उतर आ जरा, आ जरा। पापा गाड़ी किधर पर आती है झाड़ियों में? चेक तो करूँ यार, ये गाड़ी का कलर क्यों चेंज किया है, ये लोग चोर तो नहीं है? पापा घर चेक करो, इनका इतना आलीशान है यार। तो फिर गाड़ी चुराने की क्या जरूरत थी, इतने फिटफाट हैं तो, एक गाड़ी के पीछे मर रहे थे ये। एक मिनट यार, ये मैं ज़रा गाड़ी को तो आइडेंटिफाई करूँ कि ये मेरी ही है ना, मेरी लग रही है। देखो यार मेरी गाड़ी कलर चेंज करके रख दी है इस गाड़ी का। और ये कर क्या रहे हैं इसके साथ, ये अपनी यहाँ पर मैकेनिज्म इसने लगाई हुई है गाड़ी में, क्या चल रहा है यार? जिमी देख यार बदमाशी इन लोगों की। पापा मैं तो कहता हूँ अभी अभी वापस चलते हैं यार, हमारे पास कोई हथियार नहीं कुछ नहीं यार, आप क्यों अपने ही पाँव में कुल्हाड़ियाँ मार रहे हो? तू यार आ तो सही ना, तुझे खुद ही थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कि मैं किसके पाँव पर कौन सी कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तू सिर्फ मुझे फॉलो करता रहे जिमी, और मुझे बस बता दे कि यही घर है ना। हाँ तो यही घर है ना पापा। घर तो काफ़ी बड़ा है यार, मैं तो सोच रहा था कि कहीं कोई झुग्गी में होगी या किसी झोंपड़ी में रह रहे होंगे ये लोग। ये घर इनको कहाँ से मिल गया, किसका लूटा, किसका चोरी किया, किसका कब्जा किया है? अब ये सब तो मुझे नहीं पता पापा, और ना मैं अंदर गया हूँ इस घर के। अंदर तो नहीं गया, तूने नहीं देखा हुआ? बताया तो था यार आपको, बाहर से ड्रॉप करके आ गया था मामा को। बाहर से ड्रॉप करके आ गया तो पूरा दिन तो किधर था, अगले दिन तो आ रहा घर। देख लो पापा मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा फिर कलमा पढ़ लो और सोच लो। सोचा हुआ सब कुछ सोचा हुआ। ये आई थिंक यही है इसके दो भाई जो यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। हाँ भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल है इधर। हाँ भैया क्या हाल है आपका, ठीक है? भाई कल आया क्या बात है, तेरी इतनी हिम्मत, तू इधर आ गया, लगता है तुझे इज्जत रास नहीं है। नहीं नहीं भाई जान, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे थोड़ा अपनी गलती का एहसास हो गया था। पापा क्या बोल रहे हो? गलती का एहसास हो गया था क्या मतलब, सीधी बात कर, क्या लेने आया इधर, इधर देख। हाँ सीधी बात कर,
अरे भाईजान, आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मुझे आपका नाम भी याद नहीं रहा। काशी भाई बोलते हैं मेरे को, काशी भाई। अमेंटा का सबसे बड़ा भाई हूँ। आप बोल, अब क्या लेने आया, क्या चाहता है? काशी भाई, काशी भाई, देखिए माजरत, मैं आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। मेरी गलती थी, मैंने जो अमेंटा के साथ रवैया रखा वो मेरा ठीक नहीं था। अमेंटा किधर है, मुझे उससे मिला दें आप। पापा होश में हो आप क्या? जिमी जिमी चुप कर, आप प्लीज़ मुझे अमेंडा से मिला दें। मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपको गाड़ी चाहिए थी तो आप मुझे आराम से बोल देते, मैं आपको बल्कि ड्रॉप करके आता यहाँ सैंडी शोर, वापस मैं रक्षे में आता। आ गया तू औकात में अपनी है। अरे अमेंडा को मैंने समझाया भी था कि यार ये 2% का आदमी है, तू क्या इसके साथ उलझ रही है। थोड़ा सा डराऊंगा धमकाऊंगा, सीधा हो जाएगा, देखा हो गया ना। पापा ही ज़्यादा बोल रहे हैं। जिमी चुप कर जा यार, बात हो रही है ना हमारी। जिमी को क्या हो गया है? और जिमी बस ऐसे ही खामखा बोल रहे हैं, तो आप मुझे अमेंडा से मिला दें एक दफ़ा। हाँ हाँ चल चल, मैं तुझे मिला देता हूँ अमेंडा से। अमेंडा अंदर ही होगी, आ जा। हाँ प्लीज़ अमेंडा से मिला दें, बस उसके साथ भी मैंने गलत किया था और मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो रहा है। चल तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया माइकल, हमारे लिए यही काफ़ी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। चल आ, तुझे ठंडा पानी पिलाते हैं, अंदर आ, चाय शाय हो जाए। नहीं 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 ऐसी वैसी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस जिस मैं काम के लिए आया हूँ वो काम हो जाए। चल कोई नहीं, अमेंडा को ही लेने आया ना तू, कोई बात नहीं, ले जाई। आ तो सही, घर तो देख, ये देख इधर आ, ये मेरे बापू हैं। बापू? अच्छा आपके आपके अब्बू? हाँ हाँ ये मेरा बापू है। बापू माइकल आया। माइकल? कौन माइकल आया? और रहने दे रहने दे, वो अपनी अभी इस वक्त दुनिया में है, जहाज़ बने हुए हैं, उनको छोड़ें, आप डिस्टर्ब ना करें। अच्छा हाँ, वो दरअसल उनको थोड़ी आदत है, इस वक्त पीते रहते हैं। वैसे ये टाइम मेरे भी पीने का है, लेकिन बाहर काम कर रहा था। अच्छा अच्छा अमेंडा किधर है और वो पीछे कौन खड़ा हुआ है? अच्छा वो मेरी वाइफ है। अमेंडा अमेंडा इधर ही कहीं सो रही होगी, ये कमरे में कहीं होगी पता नहीं। हाँ बस जल्दी से उसे मिलवा दें आप। चल आ ना, तुझे मिलवा देता हूँ अमेंडा से। क्या हो गया यार तू इतना जल्दी में क्यों है? आ जा, कुछ बता, पी इधर से कुछ ठंडा पिएगा, तेरे लिए कुछ बनाऊँ है खाना? नहीं 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 कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, बस पेट भरा हुआ है। चल तेरी मर्जी, नहीं तो मैं पेप्सी मंगवा लेता छोटे भाई को बोल के। नहीं इस जहमत की ज़रूरत नहीं है यार जिमी, कितनी स्मेल आ रही है इधर से। इस तरफ शायद देखता हूँ, अरे यहाँ पे तो ये वाशरूम है, एक मिनट इधर तो नहीं, इधर आ, इधर ही इस तरफ होगी। पापा यार मुझे यहाँ तो और रुका ही नहीं जा रहा। अबे यार मुझे उल्टी आ रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इस घर से। एक मिनट यार, इधर नहीं तो ये होगी इधर। हाँ इस ऊपर शायद हो, शायद आ जाओ। बाप रे बाप, यहाँ पे कैसे रहते होंगे ये लोग। कुछ बोल रहे हो आप लोग हैं, कुछ कुछ कहा? नहीं 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 कुछ भी नहीं कहा, कह रहे हैं काफ़ी बड़ा घर है माशाल्लाह। हाँ वो तो है, वो तो सारे तारीफ करते हैं इस घर की। अरे ये रही अमेंडा, बोला था सो रही होगी, बेचारी थक जाती है ना घर का काम करके, घर की सफाइयाँ करके थक जाती है बेचारी। हाँ वो तो नज़र ही आ रहा है कितनी सफाई की हुई है यहाँ पर। अमेंडा उठो, देखो कौन आया। अमेंडा हेलो, अमेंडा बड़ी थकी हुई बेचारी सो रही है, एक मिनट उठो अमेंडा। हाँ कौन है? अमेंडा तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? इधर इधर। माइकल क्या बात है, पहचान लिया मुझे? तुम इधर क्या कर रहे हो? मुजरा कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा, खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन किस मुंह से आए हो यहाँ पर तुम? इसी मुंह से आया हूँ जो वही मेरा पुराना मुंह था, जिस मुंह से मैंने तुम्हें निकाला था। क्या चाहते क्या हो तुम? बात करनी है तुमसे, एक मिनट जरा साइड पे आओ। क्या बात करनी है तुमने? वही बताने के लिए बोल रहा हूँ ना, साइड पे आओ जरा यार। एक भाईजान अपना क्या नाम, काशी भाई, अमेंडा से थोड़ी बात करनी है प्राइवेट, इसे समझ लें ना, थोड़ी माफी शाफी मांगनी है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अमेंडा बच्चे चले जाओ। आओ जरा अमेंडा आओ। उफ तोपा। हाँ जरा यार इधर आ, क्या दिन आ गए हैं यार कसम से, मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है, सब्र करो, एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, बस कुछ देर की बात है। हाँ अमेंडा। हाँ बोलो, बकवास करो फोंको, क्या मसला है? पहले तो ये बताओ यहाँ पर तुम रह कैसे रही हो यार? क्या मतलब है? इस घर में तुम्हारा एक दिन भी कैसे गुजरा मुझे नहीं समझ में आ रही यार, हमारा 5 मिनट यहाँ पर नहीं गुजारे जा रहे। क्या मसला है? मेरे भाई का महल है, महल देखा कितना बड़ा घर है। अच्छा कितना बड़ा, अच्छा खैर छोड़ो वो सब, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? अब तुम्हें माफ़ करेगी मेरी चूती? अच्छा अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुमने भेजा था अपने भाइयों को?
हाँ मैंने ही बताया था। तो तुमने ये भी बोला होगा कि गाड़ी लेकर आओ। नहीं गाड़ी का तो नहीं बोला था, लेकिन मैंने ही भेजा था तुम्हारी खबर लेने के लिए, अपने भाइयों को बताया था कि तुमने मेरे पे हाथ उठाया और यहाँ पर अब तुम क्या करने आए हो। यार अमेंडा देखो बात सुनो, ठीक है तुमने भाइयों को बताया, अब मुझे नसीहत हो गई है। तुम्हारे भाई आए थे हमारे घर और गाड़ी भी ले गए हैं तुम्हारी, और मुझे बल्कि गाड़ी से गिरा कर भी गए हैं, मैं बाल बाल बचाऊँ। तो खैर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, जिसकी सज़ा तुमने मुझे अपने भाइयों के थ्रू दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कैसे वापस चलो? मतलब गाड़ी में चलो, गाड़ी लेकर आए हो ना। नहीं नहीं पहले तो तुम मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि दोबारा तुमने मेरे पे हाथ नहीं उठाना। हाँ ठीक है वादा, मैं दोबारा तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और अब मैं जो भी मांगूंगी, कौन सी गाड़ी दोबारा बोलूंगी मुझे लेकर दोगे। अरे यार एड्डी फरमाइशें ना करो, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, यही बड़ी बात है। दफा हो जाओ, नहीं जाना मैं भाई को बता देती हूँ, तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। ये अब तुम ज़्यादा वैसे बात कर रही हो, चलो चलो ठीक है तुमने जो बोला मैं ले दूँगा। पक्का? हाँ यार अब चलो यार, मुकाओ टाइम नहीं है। यही बात भाई के सामने बोलो। अच्छा अच्छा चलो चलो बोल दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। अब तुम अगर अपनी बात से मुकरे ना माइकल तो देख लेना मेरे भाई बहुत सख्त हैं। हाँ वो तो नज़र आ रहा है मुझे, अब चलो यार हो गया ना, चलो आओ। क्या हुआ, हो गई बात? जी जी अपना काशी भाई बात हो गई है, और अमेंडा मेरे साथ जाने के लिए भी रेडी है। अच्छा अच्छा अच्छी बात है, अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये बड़ी चीज़ है माइकल, बस ये है कि ये गलती दोबारा मत करना। हाँ हाँ वो मैंने अमेंडा को बोला है कि अब दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। माइकल और तुम अब मेरे भाई के सामने बोलो कि आइंदा तुम ये हाथ भी नहीं उठाओगे और जो मैं कहूँगा लेकर दोगे। हाँ आइंदा मैं अमेंडा पे हाथ भी नहीं उठाऊँगा और जो अमेंडा कहेगी वो मैं ठीक हो गया। पूरा बोलो। अच्छा जो वो कहेगी ले दूँगा बस, चलो अब। चलो ठीक है अमेंडा अपना सामान पैक कर लो, थोड़ी देर ये माइकल बैठता है चाय शाय पिलाते हैं इसको, तब तक तुम सामान बांध लो। अरे नहीं 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 सामान क्या बांधेगी मैं, बल्कि जाते जाते मार्केट से नए ले दूंगा कपड़े, और चाय की मैंने आपको बोला है ज़रूरत नहीं है, जल्दी में हूँ, चलते हैं अब बस। चलो ये तो अच्छी बात है, शॉपिंग कराते जाओ यहाँ से, ही अच्छी मार्केट है इधर पीछे, सेल लगी हुई है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जा जिमी यार। पापा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इधर। आ जा अमेंडा को भी ले आ साथ में। क्या हो रहा है इधर अभी बताता हूँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा है इस खंडर में। क्या बोला तुमने माइकल? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि काश इस महल में कुछ देर और टाइम गुजर जाता हमारा। हाँ तो रुक जाओ ना, कल चले जाते हैं। कल फिर मैं डब्बे में ही जाऊँगा। क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो आओ यार अभी बाहर, रास्ता किधर है रे, एक तो किधर खंडरात में आ गया हूँ मैं। ये इधर से ही ना बाहर, यहाँ से बाहर हो जाओ। आओ ये तो फ्रंट नहीं है घर का। वो फ्रंट आगे है उस तरफ, ओपोजिट साइड, तुम पीछे से बाहर आए हो माइकल। अरे यार क्या तरीके कार है तुम लोगों के घर का, क्या निज़ाम है। चला जिमी लेकर आए इसको। जी भी यार कसम से पता नहीं ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है, कसम से अगर वो मुझे उस वक्त गाड़ी से ना गिराता या फिर वहाँ से गाड़ी ना लेके जाता ना, इसका भाई दो टके का भाई बदमाश, मैं यहाँ कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में इसके घर कदम ना रखता। लेकिन क्या करूँ, बदला लेना मेरी मजबूरी है, पावर दिखाना मेरी मजबूरी है, जो इसने किया है ना मेरे घर आके इसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूँगा। अपनी बेइज्जती तो मैंने कभी बर्दाश्त की नहीं है और ना ही करूँगा, और बदला मैं हमेशा लेता हूँ, जो मेरे साथ ऐसा करता है उसके साथ फिर मैं डबल ही करता हूँ। अच्छा अब जितनी देर तक वो आते हैं मैं ज़रा यार साकिब को फ़ोन कर लूँ। साकिब जी मौको भाई तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है ना, रोड के पास आई डायरेक्ट इस लोकेशन पे ना ही, समझ रहा है। जूजी मौको भी सोल्जर तैयार है यार, पहुँचूँ मैं फिर अभी। हाँ तू निकल आ, ठीक है चल चल चल, मैं तुझे बाद में फिर फ़ोन करता हूँ। ओके हाँ ठीक है। पापा किसका फ़ोन था? ओ यार वही मार्टिन का फ़ोन था। चलो आओ बैठो। माइकल गाड़ी तुमने किधर खड़ी की है? उधर गैराज में ले आते ना। कौन सा गैराज? वो पीछे, वो जहाँ पे वो मेरी गाड़ी खड़ी है। अच्छा ठीक है, वो गाड़ी तुम्हारी खड़ी है ना, इस वजह से जगह नहीं थी उधर, याद आ गया। ये गाड़ी भी ले जाती है ना तुम्हारी कि नहीं? जिमी तू एक काम कर, तू वो गाड़ी ले आ। अरे नहीं वो भाई मेरा कह रहा था, काशी भाई कह रहे थे कि वो मैं चलाऊंगा। यार ये तुम्हारी गाड़ी है ना, फिर तुम क्या चलाओगी? तुम मुझे नहीं लेकर दोगे ना? क्या अभी जाती मैं तुम्हें नई गाड़ी ले दूंगा? हाँ तो और, आज नहीं तो कल ले देना। यार तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या मतलब है तुम्हारा, उतारो मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है यार ले दूंगा, रहने दो ये गाड़ी।
तुम्हारा काशी भाई चला ले ये गाड़ी। हाँ वो कह रहे थे मुझे बहुत पसंद आई है, तभी उन्होंने कलर भी चेंज कर लिए। अच्छा कलर भी चेंज कर लिया, और तो कुछ चेंज नहीं किया गाड़ी में? पता नहीं, अब वो कह रहा था कि नंबर प्लेट भी चेंज करूँगा, गाड़ी को अपने नाम कराऊँगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब गाड़ी काशी भाई की है तो काशी भाई की मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें इस गाड़ी के साथ। मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाँ जैसे तुम्हें नहीं पता। बताओ ना माइकल, किस तरह की तुम बात कर रहे हो? यार अब छोड़ो ना, ड्रामे मत लगाओ। अरे 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 रे बाप रे बाप, क्या कर रहा है ये? सबर कर बे, आ गई, मेरा मीटर शॉर्ट हुआ है। हट, दिमाग घुमा है मेरा बे। क्या इधर रोड के दरमियान में आके तू? जिमी तू पीछे हो जा। सबर करो यार पापा, इसको तो मैं ठोकता हूँ। छोड़ दे जिमी, जिमी साइड पे हो रहे, साइड पे भी उड़ाते थे। अबे यार बोल रहा हूँ साइड पे हो तुम दोनों। क्या रे, ओह तेरी खैर, जिमी को देख के इधर रगड़ के ले गया। जिमी वो जिमी तो ठीक है? पापा बच गया हूँ यार, बच गया हूँ, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, टेंशन नहीं लो। अरे यार शुक्र है बच गया। अरे तू तो हटना मैंडा आगे से, देखो जरा मरा कि नहीं, मारो इसको गोलियाँ सारी की सारी। तो यहाँ के लोग ना, यहाँ पर तो मुझे डर भी नहीं है, लॉस एंड दोस्त नहीं है। इधर जितनी मर्जी बदमाशी करूँ, जिस मर्जी का कत्ल करूँ, कौन सा मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ लूँ या यहाँ पर मुझे लोग जानते हैं। बैठो यार जल्दी है मैंडा। पापा निकालो यार यहाँ से, पता नहीं कैसे अजीबो गरीब लोग हैं। मामा आप पता नहीं यहाँ पे कैसे रहती हो, इतने सुकून से तो मैं सो रही थी वहाँ पे। तो एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें वहाँ दोबारा छोड़ आता हूँ। नहीं अब ठीक है, जब तुम इतने प्यार से लेने आए हो तो फिर मैं इनकार कैसे कर सकती थी। ठीक है वो तो पता चलता है, अभी घर पहुँचो तो सही ना तुम। क्या कोई सरप्राइज पार्टी रखी हुई है? एक मिनट सब्र करो। हाँ बोल किधर है? ओ माँ को भाई मुकाओ यार, मैं इधर आ चुका हूँ, रोड के करीब करीब हूँ। बताओ अब आगे किधर जाना है? यार तुझे मैं लाइव सेंड करता हूँ लोकेशन, ठीक है ना? तू ये जो सामने दो बिल्डिंगें देख रहे ना, कौन सी माँ को भाई? एक मिनट यार सब्र कर सब्र कर, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ फिर तुझे बताता हूँ। बारे नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा है, नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा है। पापा वो बाकी आ रहा है पापा। सब्र कर यार साकिब, एक मिनट रुक यार, गाड़ी किसी को ठोक दी है, तू बस लोकेशन पे पहुँचा। एक मिनट भाई, क्या मसला है इसको, क्या मसला है बे, हैं क्या मसला है तुझे, क्यों भाग के आ रहा है? छोड़ो छोड़ो पापा छोड़ो यार, भाग जाएगा। ऑलरेडी भाग गया, अब इसको मैं क्या मारूं यहाँ पर। कैसे यार, किस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, और अभी इस वक्त बिल्कुल ही मेरा दिमाग आउट हुआ, ऊपर से गर्मी। एक काम कर जिमी, तू अमेंडा को घर लेके जा, मैं आता हूँ। किधर जा रहे हो माइकल? यार काम है ज़रूरी मुझे, बस एक दोस्त आ रहा है मिलने के लिए, आता हूँ मैं बस। गाड़ी तो मैं लेके जाऊँगा, कैसे आओगे? वो दोस्त की गाड़ी है, मैं उसमें आ जाऊँगा, तो अमेंडा को सेफली पहुँचा दे, सही है? अच्छा चलो ठीक है पापा, आ जाओ मामा। जाओ अमेंडा जिमी के साथ। हाँ चलो ठीक है आ जाना। मामा बहुत खुशी हो रही है मुझे यार, पापा ने आपसे माफ़ी मांग ली और आपको वापस ले आए। हाँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। चलो बाबा जी, जो माखोपे ने लोकेशन बताई थी वहाँ पर तो मैं पहुँच गया हूँ, बंदे भी फुल रेंजर साथ फोर्स लेकर आया हूँ, अब माखो भाई की तरह मिल जाए यार। इधर 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 ही खड़े, इधर ही खड़े, शुक्र है यही है ना? हाँ यही है, इधर ही है। गाड़ी साइड पे लगाते हैं और बाकी तुम सारे जवानों को रेडी रहना है, आ जाओ। हाँ भाई तू इधर क्या खड़ा हुआ, इधर तमाशा देख रहा है, निकल इधर से निकल। ओ किधर है माखो भाई? माखो भाई, माखो भाई सब खरीद था, आ गया तू साकिब? नहीं माखो भाई जाने लगा हूँ। चल यार शुक्र है टाइम से आ गया। तो सीन ये है कि अमेंडा के भाइयों को उठाना है। अमेंडा के भाइयों को? अमेंडा कौन है माखो भाई, तुझे नहीं पता? और भाभी क्या क्या हो गया माखो भाई, उनके भाइयों को क्यों? अच्छा तो कितने तू लेकर आया बंदे? माखो भाई पाँच लाए हूँ अभी तो। अच्छा अच्छा यार वो फड्डा हो गया, वो गाड़ी देकर भाग गए हैं, ठीक है हमारे उधर घर से, और मुझे गिरा कर गए हैं वो दोनों। लेकिन अचानक कैसे, मतलब अचानक ऐसे कि मैंने अमेंडा को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसने गाड़ी की केयर नहीं की थी, गाड़ी को उसने ठोका था, और मुझे चढ़ गया गुस्सा, फिर मैंने लगाई है उसको कान के नीचे और वो रोते हुए भाग गई। जाके भाइयों को बता दिया, भाइयों को भेज दिया मेरे पीछे, और उसके दोनों भाई मेरे घर पहुँच गए। तो माखो भाई मुझे क्यों नहीं बताया उस वक्त आपने, उधर ही घर में ही उनको ठोक देते माखो भाई, ये नौबत ही ना आती। घर में ही ठोक देता ना, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो इस तरह से गाड़ी लेकर जाएंगे। खैर जो हुआ सो हुआ, अभी चलो चलो माखो भाई, आओ आ जाओ यार बैठो, निकलते हैं अभी। बैठ 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 साकिब, बैठ यार आगे बैठ जा। ओहो
ये तो यार नहीं, आगे फौजी को भी बैठने दो यार, मैं को भी आगे, वो ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ। अच्छा चलो साकिब यार, उनको डराना है ठीक है ना, उनको सिर्फ डराना है, हमें मारना किसी को भी नहीं है ठीक है ना। अमेंडा की वो भाई हैं तो मैं नहीं चाहता कत्लो आम हो वहाँ पर, सिर्फ उनको डराना है, मैंने अपनी पावर दिखानी है उनको कि बेटा मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा, ताकि आइंदा वो एहतियात करें ठीक है ना, सोचें बल्कि कुछ भी कदम उठाने से पहले। माखो भाई आपके साथ बदतमीजी करके आपको गाड़ी से गिरा के गया, मैं कह दूँ फटका दो वहाँ पर, भेजे में जाके मारते हैं सबकी घर, बल्कि तबाह कर आग लगा के आते हैं। नहीं 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 यार, इतना नहीं करना, इतना नहीं करना, जो भी हो यार है तो अमेंडा का ही घर ना, अमेंडा की भाई है ना। माखो भाई कुछ भी हो जाए यार, आपकी इज्जत जो है ना वो सबसे आगे है, सही है, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था यार। अब साकिब छोड़ना इन बात। ओ माखो भाई एक फौजी इधर शायद गिर गया पीछे, एक मिनट सबर, पीछे करो, किधर गिर गया है, इधर ही एक मिनट सबर करो, आ रहा होगा वो, आ रहा सबर सबर सबर, आ जाने दे चलूँ, जान दो। अच्छा तो यो भाभी का इधर घर रहा है? हाँ यार इधर ही कचरा घर रहा है यार, वो सामने वो कोठी देख रहा है वो। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, ये तो आलीशान है, आलीशान बाहर सही है, अंदर से खंडर ही है सारा। अच्छा तो मैं इधर ही गाड़ी रोकता हूँ। वो माँ को भी इधर किधर रोक रहे हो, आगे लेके जाओ, दहशत नहीं फैलानी। हाँ ठीक है, अपना रोप तो दिखाना है ना उनको, जाके सीधा उसके गैराज में जाके गाड़ी मारता हूँ। ले जाओ सीधा। ये जो गाड़ी देख रहा है सामने, ये गाड़ी उठा कर लेकर गए, ये रेड कलर की थी। कोई मसले वाली बात नहीं माँ को भाई, अभी गाड़ी भी छूट जाएगी और इनका काम भी तमाम हो जाएगा। ये जो सामने दो बैठे हुए ना, ये दो ये बदमाश, ये अमेंडा के भाई हैं। आ जाओ फिर, आ जाओ माँ को भाई। साकिब मुझे गन दे यार, एके दे। एके तो नहीं है। अबे जोन सी भी है, दे यार। किधर है ये? अबे हट बे। हाँ बे बोल। माइकल तू वापिस, ये क्या है? ये तेरी मौत है बेटे। क्या यार ये क्या मतलब, मुझे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुझे मैं समझाता हूँ, अपनी औकात तूने पहले देखी है? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वहाँ मेरे घर आके मेरी आगे बदमाशी करके और वो गाड़ी तू लेके जाए? लेकिन तू तो माफ़ी मांग के गया ना, है अमेंडा किधर है? अमेंडा को तो तू छोड़ ना, उसका तो हिसाब मैं अलग लूँगा, पहले तेरे से तो निपट लूँ ना बे गंजे। देख माइकल। अबे क्या देख, भी इधर ही उड़ा दूंगा, चल नीचे बैठ। माइकल। अबे नीचे बैठता कि नहीं? देख माइकल ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी यार, तू तो सीधा साधा आदमी है यार। अबे तुझे किसने बोल दिया मैं सीधा हूँ? अभी तू मेरे से वाकिफ किधर है? इसका भाई कहाँ है? भाई कहाँ है इसका? ये खड़ा है ये, चल बे। ओ तू भी बैठ। बैठता है कि ठोकूं? हाँ इस पर कड़ी नजर रखो, ये भी यहाँ से निकलना ना पाए। हाँ ये मेन आदमी है, ये इसी के हाथ में रेंच था और इसी ने गाड़ी चलाई थी। आए हैं ना अभी काबू में यार माइकल। एक मिनट साकिब। हाँ तू एक काम कर साकिब, वो जो गाड़ी पीछे खड़ी हुई है ना ऑडी, वो तू लेके आ ठीक है ना, वो तेरा काम है, वो किसी भी तरह से उधर पहुंचा। डन हो गया माँ को भी। और वहाँ पे जो लड़का खड़ा होगा ना, इन्हीं का भाई है वो, ज़्यादा बदमाशी करे लगाई एक कान के नीचे मारी ना ठीक है ना, जान से ना मारी, बस ठोक कर आ जाइए और गाड़ी ले आ बस। डन हो गया माँ को भी। आप सोल्जर साथ ही रखो हैं? हाँ ये सोल्जर मेरे साथ ही रहेंगे यार। माइकल ना कर यार, छोड़ दे यार प्लीज़। अबे तू तो चुप कर ना, छोड़ दे हैं अपनी, तू पहले औकात देख पे किसके साथ पंगा ले लिया तूने। माइकल चारी कर रहा तू, अमेंडा तो ठीक है। अबे यार हट जा यार साकिब, तू वो गाड़ी लेके पहुंचा है, बाकी मैं इनको संभालता हूँ। सही होगा माँ को भाई। किधर है? क्या यार दो टक्के के लोग हैं यार अभी माँ को भाई। अबे ये मारो इसको, पकड़ दे। चलो यार चलो, एक मिनट, फिर से ये उठ गया। सवाल कर इसको ठोक ही देता हूँ यार, क्या इसको छोड़ूंगा मैं। हट बड़ा, अपनी अब दादागिरी वैसे भी होने वाली है, लॉस एंटोस के हम भी यार बादशाह बनने वाले हैं, तो यार सैंडी शोर भी बाद में कब्जा कर ही लेंगे। ओबे यार शिट, बोनट भी उतर गया। चल छोड़ो यार, बाद में रिपेयर हो जाएगी, गाड़ी तो मैंने छुड़ा ली है ना, गाड़ी की तरह माघो भाई के घर पहुँचा देता हूँ। माघो भाई का हुक्म सर आंखों में है बाबा जी, लेकिन माघो भाई ने बोला उसको मारना नहीं है यार, लेकिन छोड़ो यार क्या, वो जी के भी क्या करना था उसने, जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस खंडर में वो रह रहे हैं, वहाँ पे तो ज़िंदगी से बेहतर मौत ही है।
जो मैंने ऑलरेडी दे दिया उसको। चलो भाई आ जाओ, इनको साथ रखो अपने। कितने मजे से बदमाशी कर रहे थे मेरे आगे। लेकिन यार फिर तूने माफी क्यों मांगी माइकल? अमेंडा को जो छुड़वाना था मैंने, अमेंडा के सामने सब मैं कर नहीं सकता था, नहीं तो वो फिर चिल्लाने लग जाती, रोने लग जाती और मैं उसको फिर उल्टा मार भी नहीं सकता। तो फिर तू अमेंडा के पास हमें क्यों लेके जा रहा है माइकल? ताकि उसको पता चले कि माइकल की पावर क्या है। उसने तो पता नहीं मुझे क्या समझा है, और ऐसे ही उसने तुम दोनों को भी समझा दिया था, तो बस अपनी दहशत दिखाने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ना। यार माइकल अमेंडा के सामने तो हमें जलील मत कर यार। अबे चुप करके बैठ बे, तूने नहीं मुझे अमेंडा के सामने जलील किया। तेरा मैटर ओवर है यार। अच्छा सबर कर जा तू, मैं भी तुझे अब बताता हूँ कि तेरा मैटर क्या है और मेरा मैटर क्या है, अभी सब पता चल जाएगा। क्या करेगा तू? अबे चुप कर बे, इसको निकालो पकड़ के। हाँ साकिब लियो माओ भाई। नहीं खाली आता आया हूँ, नज़र नहीं आ रहा ले आया हूँ ना। अच्छा तो गाड़ी तू पहुँचा दी तूने? एक मिनट सबर। अबे यार इसको बांधो रे, इसको बिठाओ इधर नीचे। हाँ ऐसे ऐसे, इसकी कनपट्टी पे गन रखो। दूसरा किधर है यार? माइकल बख्श दे यार। अबे यार दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? कहाँ पे गया? भाग तो नहीं गया वो पीछे भागो भी पीछे। हाँ ये चल बे, तू भी बैठ 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 बैठता कि नहीं। हाँ ऐसे ऐसे, दोनों को अपनी कस्टडी में रखो। थोड़ी सी भी आवाज़ निकालने रख के एक ना गर्दन पे एक बंदूक मारो। सर अच्छा तो गाड़ी का बोनट किधर गया रे? साकिब किधर गया साकिब? जी 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 माको भाई, ये गाड़ी का बोनट किधर गया? ओ माको भाई वो इसने ऐसे ही उतार के रखा था, मैंने गाड़ी चलाई उतरी गया। इधर आ रे, तुझे बोला था सही सलामत गाड़ी लेकर आई। और माको भाई कब उसने खोल के रखा हुआ था, मैंने चलाई गाड़ी तो कहीं हो गया वो। फिर क्या वो उसको मारा तो नहीं है ना तूने? किसको मांगो भाई? ये इसके भाई को। किसका भाई था वो? अमेंडा का ही भाई था ना वो। क्या क्या तूने मार दिया क्या? मांगो भाई मार दिया यार। अबे यार ये तूने क्या किया बे? अच्छा चुप रह बताई ना। अच्छा ओहो मांगो भाई वो टेंशन ना लो, सबर कर। किधर गया जिमी? जिमी अंदर ही होगा, अमेंडा को भी बुलाता हूँ। आ जरा साकिब, जरा जिमी और अमेंडा को बुला कर लेकर आए, अमेंडा अपनी आंखों से देखे फिर इसे पता चले कि आखिर पावर यहाँ पर किसकी है। हाँ ये सामने लेटी हुई है, क्या बात है यार, आते ही मदहोश हो गई है। ओ वहाँ अपने घर के सब पी कर दिल नहीं भरा, यहाँ पर भी आती शुरू हो गई। ये इन लोगों का ख़ानदानी शौक है, बाप भी भाई भी सारे ये बस यही पीती रहते हैं। तुम आ गई माइकल? आ तो गया हूँ। जिमी किधर है? जिमी को मैं देख रहा हूँ। एक मिनट, जिमी इधर तो नहीं है? किधर गया ये जिमी? इधर आ जरा साकिब, ऊपर अपने कमरे में होगा ये। जिमी को भी तो ज़रा बताऊँ ना, वो तो समझ रहा था कि मैं तो माफ़ी मांग के डर के आ गया हूँ वापस। किधर है जिमी? किधर गया ये? नहीं है मकबी, नहीं इधर कमरे में तो नहीं है। एक मिनट यार ये कहाँ जा सकता है? बोला तो था कि अमेंडा को घर छोड़ के उधर ही रही। आ ज़रा बाहर ही शायद मुझे लग रहा है खड़ा हुआ होगा, स्विमिंग पूल के पास या कहीं। जिमी ये इधर है। जी जी मैं आऊँगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना मैं आपके पास आऊँगा। हाँ बस जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगा। जिमी? हाँ जी पापा। किससे बात कर रहा था और किधर जाने का बोल रहा था? ओ नहीं पापा वो बस दोस्त था, तो वो कह रहा था कि कब आना है मिलने, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना। दोस्त था? जी जी। इधर आ। क्या हो गया पापा? आ जा जिमी बेटा आ जा यार, तुझे मैं बताता हूँ। हाँ अमेंडा चलो मेरे साथ। कहाँ पे? बाहर, जरा कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या वाकई? मतलब तुम गाड़ी ले आए हो इतनी जल्दी? हाँ बहुत जल्दी ले आया हूँ, आओ तो सही। वाओ माइकल इतनी जल्दी तुम बदल गए, यकीन नहीं आ रहा। अबे लेकर आ बे जिमी, इसको यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो अभी सच में नहीं आएगा इसे।
एक मिनट, मैं ज़रा गाड़ी को पीछे कर लूँ। रुक यार साकिब, रुक रुक रुक, गाड़ी को पीछे करना है बस। अबे यार बैठने लग जाती हो तुम लोग सारे एकदम से, मगो भी मैं सोचा कहीं जाने वाले हैं। यार क्या यार, तुम लोगों के भी दिमाग में बिल्कुल अक्ल नहीं है। आओ जाओ, आओ इधर। माइकल क्या है ये सब? इधर आना, इधर आ, करीब से देख, दूर से तो नज़र नहीं आएगा तुझे। इधर आ, पहचान ही नहीं। ये कौन है माइकल? इधर आ, इधर आ, आंखें खोल के देख। काशी भाई ये क्या कर रहे हो तुम काशी भाई के साथ? और फरहान को भी, ये क्या है माइकल? ये तुम मेरे भाइयों के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है, बल्कि तुम्हें तो कराया है वो। माइकल ये क्या, तुमने तो माफ़ी मांगी, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हो? इनको सिर्फ इतना बोलूँ ना कि इनके सर पे गोली मार दो, इसी वक्त इन दोनों की लाशें तुम्हारे सामने पड़ी होंगी। लेकिन माइकल ऐसा मत करना, लेकिन क्यों कर रही हो तुम? क्यों कर रहा हूँ? तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है कि तुम जाकर अपने भाइयों को मेरी शिकायत लगाओगी, और वो यहाँ पर आकर गाड़ी उठाकर मेरे ही सामने मुझे ही गिरा कर ले जाएंगे। पापा मुझे यकीन नहीं आ रहा पापा, आप इन दोनों को उठा के ले आए। मैं तो सोचा था आप डर गए पापा। डर गया जिम्मी, तुझे मैंने क्या बोला था? तेरा बाप डरने वाला नहीं है यार, डरना होता तो फिर लॉस सैंटोस छोड़ के भाग चुका होता अब तक। वाह पापा, आप तो हीरो हो यार। जिम्मी अपने बाप को रोको, इन्हें छोड़ दे। छोड़ूंगा तो नहीं मैं अमेंडा, छोड़ूंगा तो नहीं। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अमेंडा, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि तुमने अपने भाइयों को मेरी कंप्लेन की है, मैं सोचा तुमने मजाक किया, खुद ही वापस आ जाओगी। पर जब वाकई में तुम्हारे भाई आए और गाड़ी लेकर के, एक गाड़ी के पीछे इतना गिर सकती हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, तब मुझे बहुत बुरा लगा बहुत। पर माइकल ये सब करना ज़रूरी था, तुमने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, पहली बार मेरे पे हाथ उठाया। मैं जो मर्जी करूँ बदले में तुम भी मुझे मार लेती, भाइयों को जाके बताने की क्या ज़रूरत? माइकल मुझे माफ़ कर दो, मेरे भाइयों को भी छोड़ दो, एक मौका प्लीज़ प्लीज़ माइकल प्लीज़, एक मौका, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अमेंडा माइकल को समझा यार, पागल हो गया ये। क्यों जिमी, क्या किया जाए फिर? इसके भाइयों को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? पापा आपने तो अपनी बहादुरी इनको दिखा दी, और इनको मेरा ख्याल एहसास भी हो गया होगा आपकी पावर का, आपकी जुर्रत का, तो फिर मैं ये समझता हूँ पापा इतना काफ़ी है, मारने की ज़रूरत नहीं है पापा, छोड़ दें। छोड़ दूँ? जी पापा, एक मोहलत दे दें इन्हें। चलो सिर्फ जिमी की वजह से, जिमी कह रहा है तो फिर मैं ये कर लेता हूँ, अमेंडा के भाइयों को छोड़ दे। प्लीज़ माइकल प्लीज़, एक मौका दे देता हूँ, लेकिन दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो फिर उसका अंजाम वो होगा जो मैंने अब तक अपने पुराने दुश्मनों के साथ भी नहीं किया। और अमेंडा तुम्हें सारी स्टोरियाँ पता है ना? हाँ मुझे पता है, सब कुछ जान के भी ये गलती की। बस माफ़ कर दो ना यार माइकल, हो जाता है। माइकल माफ़ कर दे यार, माफ़ कर दे। पापा जाने दें यार, जाने दें। चलो ठीक है, एक काम करो, इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ और इनको इनके घर छोड़ो, लेकिन रास्ते में कोई बदमाशी की मार देना, समझ गए? जी सर। सिर्फ घर ड्रॉप करके आ जाओ, और हाँ दो फौजी मेरे 2 दिन तक इनके घर के बाहर पहरा देंगे ताकि ये कोई घबला ना कर सकें। जी सर। ठीक है, जाओ इनको बिठाओ और लेके जाओ। जी सर। शुक्र है माइकल ने छोड़ दिया, जान बच गई। आइंदा अमेंडा की बातों पे मैं नहीं आऊँगा। सुन ले फरहान, तू भी जो मर्जी करती रहे अमेंडा, आइंदा इसकी बातों में नहीं आएंगे। हाँ तो जिमी फिर तूने क्या सोचा? पापा मान गया हूँ आपको यार, हीरो हो आप। और अमेंडा यार तुम तो अब रोना बंद करो यार, छोड़ दिया तुम्हारे भाइयों को। शुक्रिया माइकल। तो फिर बताओ पावर किसकी है, तुम्हारे भाइयों की कि मेरी? तुम्हारी। दोबारा जाकर भाइयों को किसी किस्म की कंप्लेन करोगी या फ़ोन पे या घर जाके? नहीं माइकल, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, और अब इस गाड़ी का क्या करूँ मैं? माइकल ये गाड़ी ठीक करा के दोबारा से रेड कलर करा के मुझे दे दो। नहीं, ये गाड़ी अब देनी नहीं है, ये गाड़ी को अभी सेट करा के बेचना है, या बेच दूंगा या अपने किसी और काम अगर आ गई तो। पापा मैं रख लेता हूँ पापा।
नहीं 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 यार, ये गाड़ी घर में रखनी नहीं है। इस गाड़ी से मेरा वैसे ही अब दिल उठ गया है। इस गाड़ी की वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ है और ये सारी नौबत आई है। तो माइकल कौन सी गाड़ी लेके दोगे? अभी अपनी बकवास बंद करो, किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं करनी है अभी। तुमने इलेक्शन आ रहे हैं और मुझे किसी किस्म मुझे बस तुमने तंग नहीं करना। जी माइकल, जो आप कहो। वेरी गुड, एक मिनट। हाँ मदर, आ जाओ। माइकल आ रहा है कि नहीं आ रहा बता। हाँ बस आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। मुक्का यार, माइकल बात करनी है यार, फिर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बस 5-10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ चल ठीक है, रेडी है मुक्का, चुटकी बजा। अच्छा तो यार साकिब तू आ मेरे साथ, चलते हैं, मदरसे बुला रहा है यार, कब से फ़ोन किए जा रहे हैं मुझे। पापा मैं भी चलूँ? जिम्मी यार तू चल, तू भी आ जा। चलो चलो पापा। हाँ चलो यार, अमेंडा अब संभाल लेगी पीछे, हम ज़रा होके आते हैं यार। कब से मदरसे मुझे बोली जा रहा है यार साकिब, चक्कर लगाओ चक्कर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब उसने क्या बात करनी है मुझे नहीं पता चल रहा। मौका भी पहले आपने फ़ोन किया, मैं सोचा पता नहीं आपका फड्डा मदरसों के साथ हो गया, मैं सोचा सारा काम उल्टा हो गया, इलेक्शन वगैरह सारा ठप हो गया। और नहीं हो यार, उसके साथ फड्डा क्यों होगा, ये बस अपने घर के कुछ चौंचले जो थे वो क्रिएट हो गए, तो बस यहाँ पर ही उलझा रहा मैं। तो पापा आप पहले ही साकिब भाई को बुला के इकट्ठे यहाँ से फौजी भी रेंजर वगैरह सारे लेके जाते, माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी। बेटा ट्रिक होती है ना, ट्रिक होती है, तू ये चीज़ें नहीं समझता जिमी, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रहकर समझ आएगा सब। साथ आप रखते भी तो नहीं हो पापा। हर जगह तो अब साथ होना ज़रा ज़रूरी नहीं होता ना, लेकिन जहाँ ज़रूरी है बस वहाँ पर रहकर। और यहाँ इक्लिप्स टावर में ही है वो, एक मिनट गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। ये तो पार्किंग बंद है मकबई। हाँ हाँ, एक मिनट, वैसे तो वो बोल रहा था कि यार पार्किंग ओपन हो जाएगी, लेकिन हमने जब परचेज़ ही नहीं किया अपार्टमेंट तो फिर पार्किंग हमारे लिए क्यों खुलेगी। तो यहाँ बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ये यहाँ पर ही लगा देते हैं तो काफ़ी है। तो जिमी तूने रास्ते में गाड़ी रिपेयर करा ली थी? हैं जी पापा, मैंने करा ली थी। चल गुड है यार, चलो आओ यार। वैसे गाड़ी भी कोई तकरीबन 5-10 दफ़ा तो रिपेयर मैं करा चुका हूँ यार, दिल कर रहा है अब इसको भी मैं चेंज कर ही दूँ, इससे अपग्रेड कर लूँ, इससे अप मॉडल ले लूँ मैं। लेकिन देखते हैं यार, अभी बस थोड़ा उलझा हूँ इलेक्शन में, जब इलेक्शन से थोड़ा सुलझ जाऊँगा मतलब जीत जाऊँगा, उसके बाद सोचूंगा कौन सी टॉप की और हैवी SUV या फिर सेडान रखनी है, वो बात की बात है। चलो आओ यार, आज तो यार बहुत थकावट हो गई है, दिल तो नहीं कर रहे से मिलने का। दिल तो कर रहा था कि यार चलो कल ही अब जो भी करूँ मैं करूँ, ऑफिस का भी काम बाकी था, आज कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी करने थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनानी थी। अब ये किधर गए हैं यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, स्मेल वैसे किस चीज़ की आ रही है? ओ वाह भाई क्या बात है, यहाँ पर तो स्टिकें बन रही हैं यार, फुल बारबेक्यू सिस्टम ऑन है। यार माइकल शुक्र है तू आ गया है यार, हम तो यहाँ पे खड़े खड़े तेरे इंतजार करते बोर, मैं फिर डेविड को बोला यार डेविड स्टिके बना, थोड़ी जान में जान तो आए। मैं भी कहूँ स्मेल पता नहीं किस चीज़ की आ रही है, पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई है। तेरे लिए भी बनाते हैं यार, तुझे भी सर्व करते हैं। क्या बात है यार, फुल मॉल, आप तो पार्टियाँ शार्टियाँ मना रहे हो और मैं समझ रहा हूँ पता नहीं कौन सी एमरजेंसी आ गई है इधर। अबे यार तुझे क्या पता यार, तुझे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पार्टी शार्टी तो नहीं है यार, मैं तुम्हारे इंतजार में बस खड़े खड़े फिर मतलब मेरे सर पर बैठ गया कि भाई स्टिकें बनाओ स्टिकें, मैं खाऊँगा, मैं जो बना लेते हैं। चलो फिर एक मेरे लिए भी रखो। और रखनी तो तीन। हाँ तो साकिब और जिमी भी आ गए हैं ना। चल यार डेविड इधर ही है ना, तू दो और रखनी बाद में, सही है? अच्छा ठीक है, वो तो बनती रहेंगी यार। मदरसे इधर आ यार, तूने क्या बात करनी है वो तो मेरे से करना, मैं ऑलरेडी बहुत थका हूँ, सैंडी शोर से आ रहा हूँ। यार तू सैंडी शोर क्यों गया था? है सैंडी शोर यार काम था मेरा बस इंपॉर्टेंट, वो तुझे मैं बाद में बताऊँगा, अभी तू अपना बता क्या मसला है, क्यों इतनी मतलब सुबह से काले किए जा रहे हैं? माइकल यार सीन ये है कि यार तेरे मुकाबले में यानी कि हमारे मुकाबले में एक बंदा आ गया है। कौन? उशी यार, जिसका मैंने तुझे बताया नहीं था। उशी हमारे मुकाबले में? मतलब यार वो भी इलेक्शन में आ गया यार, सैंडी शोर में उसने इलेक्शन जीता हुआ है, अभी यहाँ लॉस सैंटोस से भी लड़ रहा है वो, और जगह जगह अपनी कैंपेनें कर रहा है। अच्छा ये तो कोई मतलब बुरी बात नहीं है, कर रहा है तो ठीक है, उशी तो मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त है? यार वो अपना यार है मदरसे, मेरे साथ काम करता रहा है वो, ये तो अच्छी बात है। बल्कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, सियासत में कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती नहीं। मैंने तुझे एक टास्क देना है। टास्क? वो क्या? मैं कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहता, मुझे हर हाल में यहाँ से इलेक्शन जीतने हैं, मुझे लॉस सैंटोस में सीट चाहिए तो चाहिए, बस अपने हल्के से तू जीत, मेरे हल्के से मैं जीतूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में कांटा आए, और कांटा भी उसी बन रहा है। यार मदरसे तुझे ऐसी गलत फहमी हो रही है। यार माइकल तू मेरे से ज़्यादा समझता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, उसी अपने बेटे को मिला के यहाँ पे कंपेनिंग कर रहा है,
जगह जगह कंपेनें कर रहा है और कोशिश कर रहा है इलेक्शन जीतने की। और सैंडी शोर में उसको वैसे सीट तो पहले मिल की थी, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि सैंडी शोर में उसकी इमेज डाउन हो जाए, उसकी रेपुटेशन गिरानी है बस। और वो सब काम करने के लिए तुझे अपने बंदे भेजने पड़ेंगे। मैं किसको भेजूँ? तू बस साकी को तैयार कर, या जिमी को, इन दोनों को, या फिर तैयार कर इन दोनों को वहाँ सैंडी शोर भेज दे कुछ दिनों के लिए, और इन दोनों को समझा देती हैं सारा कि कैसे उसके खिलाफ कैंपेनें करनी है और उसका काम और उसको कैसे बदनाम करना है। जब सैंडी शोर से वो कमज़ोर हो जाएगा तो लॉस सैंटोस में उसकी पावर नहीं चल सकती है। माइकल मद्राजो, तू खाम ख्वाह की टेंशन ले रहा है यार। उशी को मेरा पता नहीं होगा कि मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। अगर उसको मेरा पता चल गया, बल्कि मैं उसे खुद मुलाकात करता हूँ, जाकर उसको समझाता हूँ। और वैसे भी यार वो मुझे देखते साथ ही यार गले मिलेगा और समझ जाएगा सब। उसे बोलूँगा कि बेटा तू सैंडी शोर तक अपनी महदूद रख, ठीक है, लॉस सैंटोस से हमें खेलने दे, और ये वो बात मेरी अच्छी तरह से समझ जाएगा और मैं उसको अच्छी तरह से समझा भी दूंगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइकल देख ले, इलेक्शन आ रहे हैं, मैं कोई काम ख़राब नहीं करना चाहता, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता माइकल। यार देख, अगर फिर भी कोई मसला बनता है, मैं बल्कि यार कल सुबह उसके पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। नहीं, अगर तूने बात करनी है तो अभी जा, वो आजकल लॉस सैंटोस में ही है। अच्छा, चल ठीक है, फिर एक काम कर दो, मैं अभी निकलता हूँ, हैं, मैं उससे फिर बात कर लेता हूँ, तुझे तेरी टेंशन को मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ ठीक है यार, प्लीज़ यार माइकल, रिस्क नहीं लेना। चल ठीक है, फिर हम आते हैं। आओ जिमी और साकिब। यार रुक तो, क्यों, आप क्या हो गया? क्या तेरे लिए डेविड स्टीक बना रहा है? स्टीक तो खाता जा यार। ओ स्टीक, अच्छा, चलो आओ खा लेते हैं वो, उसके बाद निकलते हैं।